हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता जी अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए पांडु वंश या सोम वंश पर बात करने वाले हैं। इस राजवंश का छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और एक महत्वपूर्ण राजवंश है जहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो पांडु वंश या सोम वंश, अगर हम इसकी बात करें तो इनकी तीन शाखाएं हुई। पांडु वंश की छत्तीसगढ़ में तीन शाखाएं जिन्होंने शासन किया। पहली शाखा जो सबसे प्राचीनतम शाखा है, इन्होंने मैकल क्षेत्र पर राज किया। जैसा कि आप छत्तीसगढ़ के नक्शे में देख सकते हैं, ये जो मैकल क्षेत्र है अमरकंटक से लेकर के आपका छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी हिस्सा है, जो मैकल पर्वत क्षेत्र है, यहां पर इनकी सबसे प्राचीनतम शाखा हुई, पहली शाखा। दूसरी, इन्होंने क्या किया, मैकल क्षेत्र से उतरकर धीरे धीरे पूरे दक्षिण कोशल पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। तो इनकी दूसरी शाखा जो है ये कहलाती है दक्षिण कोशल के पांडु वंश या सोम वंश। और तीसरी शाखा जिन्होंने उड़ीसा तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उड़ीसा में ही मुख्यतः शासन किया, ये कहलाते हैं उड़ीसा के सोम वंश। हालांकि ये पांडु वंश ही हैं, लेकिन इतिहासकारों ने इन दोनों में अंतर बताने के लिए उड़ीसा वालों को उड़ीसा के सोम वंश या उड़ीसा और दक्षिण कोशल के सोम वंश कहा, और ये कहलाए दक्षिण कोशल के पांडु वंश, ये जो इनकी जो दूसरी शाखा है। ठीक है, तो मैकल के पांडु वंश, दक्षिण कोशल के पांडु वंश, उड़ीसा और दक्षिण कोशल के पांडु वंश या सोम वंश, ऐसा हम इन्हें याद रखेंगे। तो ये जो मैकल के पांडु वंश हैं, इनका अगर हम शासन काल देखें तो इन्होंने 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच इस क्षेत्र पर राज किया। 5वीं से 6वीं शताब्दी तक इन्होंने इस क्षेत्र में शासन किया। दक्षिण कोशल के जो सोम वंश हैं या पांडु वंश हैं, इन्होंने 6वीं से 7वीं शताब्दी, 6वीं से 7वीं शताब्दी ये इनका शासन काल है। और उड़ीसा के जो सोम वंश हैं, इन्होंने 9वीं से 11वीं सदी में इस क्षेत्र पर शासन किया, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र पर। तो 5वीं से 6ठी शताब्दी, 6वीं से 7वीं और 9वीं से 11वीं सदी आपको याद रखना है। ये बीच में जो 8वीं शताब्दी है, यहां पर ये जो वंश था दक्षिण भारत के चालुक्यों और बस्तर के नल वंशियों के आक्रमण के कारण ये जो भाग था इस समय संघर्षरत था, इसलिए कुछ ज्यादा जानकारी इस वंश की यहाँ पे नहीं मिलती। तो मैकल के पांडु वंश, दक्षिण कोशल के पांडु वंश और उड़ीसा के सोम वंश, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। तो थोड़ा सा चर्चा हम पहले मैकल के पांडु वंश पर कर लेते हैं। सबसे पहली बात, नाम से स्पष्ट है कि इन्होंने मैकल क्षेत्र पर राज किया। 5वीं से 6वीं शताब्दी इनका शासन काल था। ठीक है, इस वंश में कुछ शासक हुए जिनके नाम का उल्लेख आता है, उसमें से पहले हैं जयबल, दूसरे हैं वत्सबल, तीसरे हैं नागबल। एक शासक थे सूरबल, और इस वंश में जो अंतिम शासक का नाम मिलता है वो है इंद्रबल या भरतबल। तो ये पांच शासकों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, पहले हैं जयबल, दूसरे वत्सबल, नागबल, सूरबल, इंद्रबल या भरतबल। ठीक है, जयबल जो हैं इस वंश के संस्थापक, जयबल को आपको मैकल के पांडु वंश के संस्थापक के तौर पर याद रखना है। ठीक है, देखो पहले नाम याद रख लो, नाम याद रखना बहुत जरूरी है। जयबल, वत्सबल, नागबल, सूरबल, इंद्रबल। जयबल, वत्सबल, नागबल, सूरबल, इंद्रबल। तो ये आप नाम का क्रम याद रख लें। उसके बाद कुछ एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप याद रखेंगे। जयबल इस वंश का संस्थापक है, फाउंडर है, तो आपको इसको फाउंडर के तौर पर याद रखना है। ठीक है, वत्सबल के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, नागबल के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं है, पर आपको याद रखना है
नागबल ने महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है, नागबल ने क्या की थी, महाराज की उपाधि ग्रहण की थी। और महाराज की उपाधि धारण करना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्वतंत्र शासक होने का द्योतक नहीं है। तो इन्होंने आपको याद रखना है किसी न किसी की अधीनता में शासन किया होगा, मुख्यतः वो सरबपुरी ही रहे होंगे। तो ये महाराज की उपाधि नागबल धारण करता है। फिर ये सूरबल, ठीक है, सूरबल जो थे इनके बारे में एक जानकारी हमें मिलती है कि सूरबल ने क्या किया। देखिए, इनसे पहले सरबपुरियों का शासन था छत्तीसगढ़ में, ये हम भली भांति जानते हैं। तो सरबपुरियों का एक शासक था सुदेवराज, सुदेवराज एक शासक था सरबपुरी वंश में, सुदेवराज, ठीक है, जिसका कौवा ताल अभिलेख मिलता है महासमुंद से, कौवा ताल अभिलेख। तो इस कौवा ताल अभिलेख में इंद्रबल का भी उल्लेख है, ये जो इंद्रबल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जब सुदेवराज की मृत्यु हुई तो सरबपुरी शासक या सरबपुरी वंश जो था वो थोड़ा कमजोर हुआ, और इस बात का फायदा उठाकर सूरबल ने क्या किया, सूरबल ने सरबपुरियों की राजधानी सरबपुर पर अधिकार कर लिया, ठीक है, सरबपुर पर किसने अधिकार कर लिया, सूरबल ने। और बाद में सुदेवराज के भाई प्रवर राज प्रथम ने क्या किया, वापस से सरबपुर को प्राप्त किया और अपनी सत्ता स्थापित की। तो सूरबल और प्रवर राज के बीच में क्या हुआ, एक युद्ध हुआ, इस युद्ध में सूरबल परास्त हुआ, ठीक है, और सरबपुर पर फिर से प्रवर राज ने क्या कर लिया, अधिकार स्थापित किया, ठीक है। सूरबल जो थे वो इंद्रबल के चाचा थे, सूरबल जो थे वो क्या थे, इंद्रबल के चाचा थे। इंद्रबल एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, ठीक है, इंद्रबल के बारे में हम बात करेंगे। तो इंद्रबल जो था वास्तव में ये सुदेवराज का सामंत था, ठीक है, इंद्रबल या भरतबल कौन था, सुदेव राज का सामंत था, मतलब ये सरबपुरियों के यहां सामंत था। और इसने क्या किया था, सरबपुरी राजकुमारी से विवाह किया था, कौशल की राजकुमारी से क्या किया था, विवाह किया था। फलस्वरूप बहुत ही जल्दी ये सरबपुरियों के यहां मंत्री के पद पर क्या हो गया, पहुंच गया। ये इनके यहां सामंत भी था और सर्वाधिकाराधिकृत, मैंने बताया था आपको एक बहुत ऊंचा पद हुआ करता था सर्वाधिकाराधिकृत, उस पद पर इंद्रबल जो था वो कार्यरत था, ठीक है। तो इंद्रबल ने क्या किया, जब इस वंश में एक शासक हुआ प्रवरराज द्वितीय, ठीक है, तो प्रवरराज द्वितीय जब शासक हुआ प्रवरराज प्रथम के पश्चात, तो इस वंश की कमजोरी का फायदा उठाया इंद्रबल ने और क्या किया, दक्षिण कौशल के पांडु वंश की स्थापना की। तो इंद्रबल जो है ये दक्षिण कौशल के पांडु वंश का संस्थापक है, संस्थापक के तौर पर आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला जो एक ओवरव्यू है वो आपको मैकल के पांडु वंश में ये चार पांच नाम याद रखने हैं, जयबल, वत्सबल, नागबल, सूरबल, भरतबल या इंद्रबल, ठीक है। तो जयबल को संस्थापक याद रखना है, नागबल के बारे में याद रखना है कि इसने महाराज की उपाधि धारण की, सूरबल को याद रखना है कि इसने सरबपुर पर अधिकार कर लिया था, प्रवरराज प्रथम ने इसे युद्ध में परास्त करके सरबपुर फिर से प्राप्त कर लिया, इंद्रबल के बारे में याद रखना है कि इसने क्या किया, दक्षिण कौशल के पांडु वंश की स्थापना की, ठीक है। एक बात आप और यहां पर याद रखें, ये जो मैकल के पांडु वंश है इनकी राजधानी थी अमरकंटक, अमरकंटक इनकी राजधानी थी, हालांकि ये छत्तीसगढ़ में नहीं आता है, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है, लेकिन अमरकंटक इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो अमरकंटक इनकी राजधानी थी, ठीक है, तो अमरकंटक को इसकी राजधानी के तौर पर आपको याद रखना। अब हम बात करते हैं दक्षिण कौशल के पांडु या सोमवंश से, जहां से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं, तो इनका भी हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं। ये जो दक्षिण कौशल या छत्तीसगढ़ पर राज करने वाले पांडु वंश या सोम वंश थे, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई सिरपुर को। तो इनकी राजधानी क्या थी, महासमुंद में सिरपुर, सिरपुर या श्रीपुर इनकी राजधानी थी। हमने पहले ही बात की कि इन्होंने